हेलो फ्रेंड, घर के खाने में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। उसके लिए मैंने ये चार आलू ले लिए। आलू मैंने छील कर और धोकर साफ़ कर लिए। अब मैंने घिया कस ले लिया है और इससे आलू हम घिया कस कर लेंगे। हमें इसके लंबे लंबे लच्छे बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह मैं घिया कस कर लूँगी। हमें इनके लच्छे बनाने हैं और इस बात का ध्यान रखें, लच्छे आप पानी में ही घी अकस करें, जिससे लच्छे हमारे बिल्कुल सफ़ेद रहें, लाल नहीं पड़े। इस तरह मैं आलू को कस लिया है, सारे आलू कस गए हैं। अब मैं इन्हें दो तीन बार धो लूँगी, जिससे इसमें झाग नहीं रहे। अब मैंने आलू धो लिए हैं और एक मैंने मिक्सर बाउल ले लिया है। अब आलू धोकर और निचोड़ कर मैं इसमें निकाल लूँगी। मैंने तीन चार बार आलू धोकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक बर्तन में कर लूँगी इस तरह। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह हम निचोड़ लेंगे इसको, आलू को। अब मैंने एक गाजर कस ली है, ये भी मैंने घी अकस कर ली है। दो चम्मच मैंने धनिया की पत्ती ली है और एक चम्मच मैंने मटर ली है। एक टमाटर मैंने बारीक बारीक चॉप कर रखा है। एक प्याज मैंने बारीक चॉप कर रखी है और ये मैंने अदरक और मिर्च कूट कर ली है। और मैंने थोड़ी सी हरे प्याज ले लिए हैं। अब मैं इनमें मसाले मिला लूँगा। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और आधा चम्मच मिर्च ली है। एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और एक चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। और मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। एक चम्मच मैंने जीरा लिया है और एक चौथाई चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और एक चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब मैंने इनमें तीन चम्मच चावल का आटा लिया है। अब इन सब चीज़ को खूब अच्छी तरह हम मिला लेंगे। मसाले भी हमारे सारे मिल जाना चाहिए और आटा भी खूब अच्छी तरह मिल जाना चाहिए। जो हम नाश्ता बना रहे हैं वो एकदम चटपटा बनकर तैयार होगा। अब इसी तरह मैं सारे डो को लगा लूँगी। थोड़े से हमें मटर के दाने फोड़ने हैं। वैसे बॉईल करी हुई मटर है, बहुत अच्छी से मैश हो जाएगी। इस तरह मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया। अब मैंने एक तवा ले लिया है, इस पर मैंने थोड़ा सा और एक चम्मच ऑयल लगा लिया है। अब इस पर मैं नाश्ता बनाना शुरू कर दूँगी। इस तरह मैं पहले इस डो को फैला लूँगी। आप इसे तवा पर बना सकते हैं, आपके पास पैन है तो उसमें भी बना सकते हैं, कढ़ाई है तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना कि कितना टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। इस ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि ये सब्जियों से भरपूर है और इसमें नहीं ज़्यादा ऑयल है, कम ऑयल में ही बनकर तैयार हो जाएगा हमारा नाश्ता। अब इस तरह मैंने एक बराबर ले लगाकर तैयार कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइडें अच्छी तरह से कर देंगे, जिससे हमारा एकदम गोल नाश्ता बनकर तैयार हो। ये मैंने चम्मच ले लिया, इससे मैं इस तरह साइडें एकदम सही कर दूंगी, जो देखने में भी सुंदर लगे। अब हल्का सा हम ऊपर से चिकना कर देंगे। लो गैस पर ही हम सेकेंगे इसे, देर में सिकेगा पर एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अब इसे मैं 2 मिनट तक ऐसे ही पकने दूंगी।
अब देखने में भी मेरा कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ऊपर से, नीचे से हमारा सिक गया है। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह, हम पलट लेंगे नीचे से खूब अच्छी तरह, हमारा सिक गया है। अब हम इसे भी 2 मिनट तक सेक लेंगे खूब अच्छी तरह से, जिससे हमारा सिक जाए। ये मेरा सिक कर तैयार हो गया है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथ से छुटा लेंगे, जिससे अच्छी तरह हमारा नाश्ता छूट जाए। नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। इसी तरह मैं सारा नाश्ता बनाकर आपको दिखाऊंगी। अब हमने एक बर्तन में सर्व कर लिया है। नाश्ता इसी तरह सेक कर तैयार करें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार होगा अगर आप इस तरह से बनाओगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ऊपर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, और स्वाद तो इतना है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे अगर आपने इस नाश्ते को एक बार बना लिया। अभी गाजर खूब चल रही है, मटर भी खूब चल रही है, तो नाश्ता हमें खूब खाना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। देखो कितना कलरफुल बनकर तैयार हुआ है। चलो चलते हैं, कल हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।